शिवाजी महाराज जी की, जीजा माता की, पिताजी राजे की। आज संत सम्मेलन एवं धर्म सभा जो आपके इस भिवंडी में जो भव्य रूप से जो संपन्न होने जा रही है, इस कार्यक्रम में जितने भी मेरे हिंदू वीर यहाँ पर पधारे हैं, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। क्योंकि बिना आपके कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता। बिना आपके कोई भी हिंदू तैयार नहीं होता। और आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मंच पर उपस्थित पूज्य सदानंद बाबा जी, पूज्य भारतानंद सरस्वती जी, पूज्य योगी अनंतनाथ जी, पूज्य गिरिराजनंद सरस्वती जी, पूज्य बिंदु दीदी जी, पूज्य महंत योगी गोपीनाथ जी, पूज्य वैराग्यनंद जी, समस्त साधु संत, और इस कार्यक्रम को जिन्होंने भी रूपरेखा दी है तन मन धन से, उन सबको हृदय से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। मित्रों, आज इस मंच के माध्यम से साधु संतों ने अपनी पीड़ा आपके सामने प्रकट की है। आज इस मंच के माध्यम से साधु संतों ने धर्म के प्रति आपको मार्गदर्शन दिया है। आज इस मंच के माध्यम से मेरे मित्रों, जो कुछ भी आप सुनोगे उस विषय को इस कान से सुनकर इस कान से निकालना देना, क्योंकि आज हमारे इस भारत देश में, हमारे इस महाराष्ट्र के राज्य में कहने को तो हिंदू सुरक्षित दिखता है, लेकिन हिंदू सुरक्षित नहीं है। कहने को तो हमारे मठ मंदिर सुरक्षित दिखते हैं, लेकिन हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है। मेरे मित्रों, आज महाराज जी के मठ को तोड़ा गया, कल और किसी का मठ को तोड़ा जाएगा, कल और किसी मंदिर को तोड़ा जाएगा। मदनगढ़ में बहुत बड़ी धर्म सभा हुई थी, मच्छिंद्रनाथ महाराज जी की समाधि आज चीख चीख कर हिंदू कहता है कि वो हमारे मच्छिंद्रनाथ महाराज जी की समाधि है। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी फकीर की दरगाह के नाम पर वहां पर हरे हरे कपड़े चढ़ाए जाते हैं। ये हिंदू के लिए शर्म की बात है। मेरे मित्रों, जब मलंगढ़ में सभा हुई थी तो बहुत सारे साधु संत मंच पर उपस्थित थे, बहुत सारे नेतागण मंच के सामने बैठे हुए थे। हमने उस मंच के माध्यम से नेताओं को भी निवेदन दिया था, साधु संतों ने भी निवेदन दिया था कि मलंगढ़ जो हमारे मच्छिंद्रनाथ महाराज जी का जो हरा कपड़ा जो चढ़ता है उसको मुक्त करवाइए, नहीं तो हिंदुओं को कह दे तो हिंदू 4 से 5 मिनट में उसको समाप्त कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वहां पर बोलने वाले साधु संतों के ऊपर केस किया जाता है, हमारे ऊपर केस किया जाता है। क्यों? इसका डर है सरकार को। मैं आज आपके साथ सबके लिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, सबके माध्यम से, कि किसका डर है? क्यों अब तक वो मुक्त नहीं हुआ? मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं, किसका डर है? क्या ये मुल्ला आपको वोट नहीं देगा, क्या उसका डर है क्या? हमारे राजनेताओं को कहना चाहूंगा, लिख लो मेरी बात, तुम अगर तुम्हारी गर्दन काट के भी इनके
चरणों में रखोगे तो तुम्हें वे वोट भी ये नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखना। अरे महाराष्ट्र की धरती में छत्रपति शिवाजी महाराज के मामलों की संख्या ज्यादा है या इनको हत्याओं की संख्या ज्यादा है, ये सरकार को सोचने और समझने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र की धरती में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है और लव जिहादियों की संख्या कितनी है, एक बार कैलकुलेशन कर ले, एक बार सर्वे करवा ले। पार्लियामेंट चुनाव हुआ, पार्लियामेंट चुनाव में क्या आपने सर्वे नहीं कराया कि किस पार्लियामेंट में हिंदू और मुसलमानों की संख्या है? क्या आपको डाटा मिला या नहीं मिला, मैं पूछना चाहता हूं। हमें सरकार की निंदा नहीं करना है, लेकिन हमें सरकार के हाथ मजबूत करना है और हमारे एकनाथ शिंदे जी जो हिंदुवादी मुख्यमंत्री है उनको कहना है इस मंच के माध्यम से कि महाराष्ट्र का ही नहीं पूरे भारत का हिंदू आपके साथ है, मुक्त करिए मलंगगढ़ को। शिंदे जी किसका डर है, किसका डर है? अरे हमारी सभाओं पर रोका जा रहा है, किसका डर है? हमारे ऊपर एफआईआर की जा रही है, किसका डर है? हमें महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है, किसका डर है? शिंदे जी डरो मत, हम आपके साथ हैं। मजबूत करने का काम करेंगे। भले ही आपके आजू बाजू कुछ सेकुलर कीड़े मकोड़े बैठ गए होंगे, लेकिन उन कीड़े मकोड़ों के बारे में मत सोचो। जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र में राज करेगा, ये बात ध्यान रखना। अरे जो हिंदू हित को छोड़ देगा उसका ये बात भी हमारे सेकुलर नेताएं और डुप्लीकेट हिंदू नेताएं याद रखना। आज हमें क्या करना है, हम यहां क्यों आए? हैदराबाद से मुंबई, मुंबई से आपके भिवंडी, क्या हमें यहां पर चुनाव लड़ना है? क्या हमें यहां राज करना है? लेकिन एक पीड़ा है, एक पीड़ा है। क्या हम महाराष्ट्र में सेकुलरिज्म को क्या बढ़ने देंगे? नहीं, हमें हिंदुज्म चाहिए, हमें ये सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अरे बोलने वालों याद रखना, आज हम लव जिहाद की पीड़ा से रो रहे हैं। लव जिहाद पर प्रतिबंध लगे, कानून बने महाराष्ट्र में, ये सरकार को चीख चीख कर महाराष्ट्र का हिंदू कह रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों अब तक महाराष्ट्र में लव जिहाद के ऊपर, धर्मांतरण के ऊपर, लैंड जिहाद के ऊपर, गौ हत्या के ऊपर कानून क्यों नहीं बन रहा है, ये अफसोस होता है। अरे आज हम दंगे की चोट पर कहते हैं, हम हिंदू अगर इकट्ठा हो जाए तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हम चीख चीख के कह रहे थे, लेकिन आज नहीं लगता है, नहीं लगता है हमें कि हम हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, अब नहीं लगता है मेरे मित्रों। भले ही ये धर्मसभा है, लेकिन चुनाव की दृष्टि में भी हमें देखने और समझने की आवश्यकता है।
कि हमारा हिंदू किस प्रकार से पट गया और लौ जिहादी किस प्रकार से इकट्ठा हो गया, ये सोचने और समझने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। हमें राजनीति की बात नहीं करनी है, लेकिन बिना राजनेताओं के हिंदू राष्ट्र भी घोषित नहीं होने वाला है, ये बात मेरे हिंदू भाई बंधुओं याद रखना। हम हिंदू राष्ट्र के लिए अगर भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को भी अगर एक मंच पर ला ले तो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। अगर इस बार चुनाव में अगर हम 400 पार कर देते हैं तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता मेरे मित्रों, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता। हमारे इस महाराष्ट्र की धरती पर कुछ ही दिन पहले हमारे एक मंत्री जी ने महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर लव जिहाद के ऊपर अपना एक भाषण दिया। मंत्री जी ने कहा वो 1 लाख से ऊपर गुना दाखिल ऐसे केसेस सामने आए, महाराष्ट्र के हमारे मंत्री जी विधानसभा में खड़े होकर के। सोचिए मेरे मित्रों, जो लोग अपनी बेटी जाने पर लव जिहाद के शिकार होने पर पुलिस स्टेशन तक जाके जिन लोगों ने केस किया है उनकी संख्या 1 लाख है। जिन लोगों ने इज्जत के मारे कि हमारी इज्जत ना चले जाए, ठीक है हमारी बेटी गई जान लो आज के बाद वो मर गई समझो, ऐसे कितने परिवार होंगे एक बार सोचिए। अरे ऑफिशियली 1 लाख है तो इनऑफिशियली और कितनी हमारी बहन बेटी लव जिहाद के नाम पर सिर्फ केवल महाराष्ट्र में शिकार हुई, इसका डाटा कौन देगा, कौन देगा? अरे अगर प्यार है तो फिर जिहाद क्यों है? अरे क्यों हमारी हिंदू बहन बेटियों के 35-35 टुकड़े किए जाते हैं? मैं आज पूछना चाहता हूं, अरे 14 साल की हमारी एक हिंदू बहन जो हमारा मित्र बता रहा था, 14 साल की हमारी हिंदू नाबालिग दलित इब्राहिम खान नाम के एक जिहादी ने घर में घुसकर उसका बलात्कार किया, कि अगर तुम केस करोगी तो हम तुझे मर्डर कर देंगे, मार देंगे। लेकिन उस लड़की ने हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन में केस किया, आज वो हरामी लांडा जेल की सलाखों में है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे महाराष्ट्र की पुलिस को जिन्होंने इब्राहिम खान को पकड़ के सलाखों के पीछे डाला। मैं धन्यवाद करता हूं हमारी महाराष्ट्र की पुलिस। लेकिन हमारी पूनम को भी इन लव जिहादियों ने, एक टैक्सी ड्राइवर ने लव जिहाद के नाम पर भला फुसलाकर उसे शारीरिक संबंध बनाता है, उसको डुबो डुबो के मारता है, सूटकेस में बंद करके फेंक देता है। इसका इंसाफ कौन करेगा? अरे कुछ ही दिन पहले कर्नाटक में हमारी नेहा बहन जो फैयाज खान नामक हमारी बहन को तड़पा रहा था, सता रहा था, लुढ़ा रहा था कि मुझसे शादी कर लो, नहीं करूंगी, मुझसे विवाह कर लो, मेरे साथ आ जाओ, लड़की ने नहीं सुना, चाकू से भोंक भोंक कर हमारी बहन को, हमारी नेहा बहन को मार दिया। अरे अगर हमारी हिंदू बहन लव जिहाद के नाम पर अगर कन्वर्ट होती है तो भी मरती है, अगर कन्वर्ट नहीं होती है तो भी मरती है। इसलिए आज हम लव जिहाद के ऊपर कानून बनाइए, सख्ती से कानून बने, इसकी हम डिमांड क्यों कर रहे हैं? अरे कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश
साल की हिंदू बच्ची के साथ बलात्कार किया मेरे मित्रों, चार साल की हिंदू बच्ची के साथ। अरे चाहे वो चार महीने की हो, चाहे वो चार साल की हो, चाहे वो 50 साल की क्यों ना हो, इनके मजहब में ये सिखाया गया कि हिंदू काफिर है, और हिंदुओं की बहन हो, बेटी हो, छोटी हो, बड़ी हो, इनके साथ बलात्कार करना हमारे किताबों में लिखा हुआ है, हमारे शरीयत में लिखा हुआ है। इसलिए ये लोग उम्र नहीं देखते, बस सर्वनाश करने की सोच रखकर चाहे वो छोटी बच्ची क्यों ना हो उसके साथ बलात्कार करने की सोच रखते हैं। लेकिन हमारे बाबा योगीनाथ जी ने उस हरामी को ऐसा सबक सिखाया, उसकी सास पुष्टि याद करे, ऐसा सबक उस हरामी को सिखाया। क्या हमारे महाराष्ट्र में भी क्या उस प्रकार से सबक सिखाने की आवश्यकता है या नहीं, है आज मैं पूछना चाहता हूं। हमारे महाराष्ट्र में भी अगर जो कोई भी लांडा अगर पहुंची आपके नाम पर, अगर हमारी बहन का धर्मांतरण करता है, तो क्या उसके घर बुलडोजर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यह डिमांड केवल एक राजा सिंह की आवश्यकता नहीं करने की, आप सबको हमारे मुख्यमंत्री जी एवं हमारे जो हमारे देवेंद्र भैया जी हैं, उनसे आप सबको डिमांड करना है, प्रार्थना करना है मेरे मित्रों, और कहना है कि जल्द से जल्द लव जिहाद के ऊपर कानून बने, या नहीं तो हमें फ्रीडम दे दे, जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया था। आपको बताएं कि लव जिहाद बहुत अच्छा काम किया उत्तराखंड के हमारे क्षेत्र में। मैं बताना चाहूंगा, हाल ही में उत्तराखंड के काशी यानी उत्तर काशी में लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन को फंसाया गया। उत्तर काशी के हिंदुओं को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, एक एक लांडे की दुकान उन्होंने खाली करवाई, हम हिंदू से खरीदेंगे, लव जिहाद से नहीं खरीदेंगे। लव जिहाद करने वाला आज 100 बार सोच रहा है मेरे मित्रों, कि अगर एक व्यक्ति लव जिहाद करेगा तो उसकी सजा हजारों को मिलेगी। उनसे हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि इन लव जिहादियों को हमें सबक कैसे सिखाना है। मेरे आज हम लैंड जिहाद की बात करते हैं, जहां पर देखो वहां पर किसी फकीर की दरगाह बनाकर लैंड कब्जा। मुंबई जैसे क्षेत्र में बड़े बड़े कॉस्टली लैंड पर कब्जा, जहां देखो वहां पर पंक्चर की दुकान लगाकर कब्जा। अरे जगह तो कब्जा हो रही है ये दिख रहा है, अरे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 370 किले जीते हैं, उन 370 किलों में 100 किलो ऐसे हैं जहां पर किसी फकीर की दरगाह या मस्जिद बन चुकी है मेरे मित्रों। मैं आज एएसआई डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर हिंदू झंडा लेकर जाता है, तो इस हिंदू के ऊपर गुनाह दाखिल करते हैं?
मुसलमान अगर किसी फकीर के ऊपर कपड़ा चढ़ाने जाता है तो उसका स्वागत करते हैं। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि चुनाव बहुत नजदीक है यहाँ पर। कब है चुनाव? नवंबर दिसंबर, उससे पहले ये 100 किलो पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उसको साफ कर दे। मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे गुरु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, गुरु जी ने कि वक्फ बोर्ड क्या है, क्या है ये वक्फ बोर्ड? आज के बहुत ही नौजवानों को बहुत कम पता है ये वक्फ बोर्ड क्या है। जब भारत देश 1947 में आजाद हुआ तो भारत एक बना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने? हमारे चिच्चा नेहरू। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। तो हमारे चिच्चा नेहरू जी ने उस लियाकत अली खान को वादा दिया। क्या वादा दिया? कि भारत अभी चिच्चा नेहरू तो नहीं है लेकिन उनकी औलादें हैं। वही समय पर पाकिस्तान के 10 लाख हिंदुओं को जो हजारों सालों से पाकिस्तान में रह रहे थे उनको मार मार के काट काट के मेरी बहनों से बलात्कार किया गया, बलात्कार करके मार्गों को ट्रेनों में भर के भारत में भेजा गया। ये पाकिस्तान में हम हिंदुओं के साथ किया, हिंदुस्तानियों के साथ किया। लेकिन हमारे चिच्चा नेहरू ने क्या किया? इनकी जमीन बचाने के लिए 1950 में एक एक्ट बनाया वक्फ बोर्ड और उसको इंप्लीमेंट किया 95 में। लगभग जमीन है मेरे मित्रों, कितनी? 1 लाख एकड़ जमीन। पुणे में 9,300 एकड़, नागपुर में 9,200 एकड़, नासिक में 8,400 एकड़, कोंडाना में 6,000 एकड़, अमरावती में 2,800 एकड़, संगली में 2,500 एकड़, ऐसे करके करके 1 लाख एकड़ जमीन वक्फ वालों के पास है केवल महाराष्ट्र में। मेरे मित्र, अगर हम पूरे भारत की अगर हम बात करें मेरे मित्र, तो पूरे भारत में लगभग 18 एकड़ यानी 18 लाख एकड़ जमीन एक डिफेंस के पास है, 12 लाख एकड़ रेलवे के पास है और सिर्फ वक्फ के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। मेरे मित्रों, पूरे भारत में मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और हमारे एकनाथ जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये वक्फ बोर्ड एक्ट को खत्म किया जाए और जहां जहां पर वक्फ बोर्ड का लैंड है वहां पर हॉस्पिटल बनाया जाए हिंदुओं के लिए। जहां पर वक्फ बोर्ड का लैंड है वहां पर स्टेडियम बने जाए हिंदुओं के लिए, कॉलेज बने जाए हिंदुओं के लिए, अरे जिनको घर नहीं है उनके लिए घर बनाए जाए हिंदुओं के लिए, क्योंकि
जगह इनके बाप की नहीं है मेरे मित्रों, ये जगह हमारी है, हिंदुस्तानियों की है और हिंदुओं की है मेरे मित्रों। अगर ये एक्ट खत्म नहीं हुआ, इस एक्ट को इतना मजबूत कर दिया गया, ये शेड आप देख रहे होंगे, अगर कोई भी वक्फ बोर्ड का मेंबर कहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड का लैंड है, तो भारत का कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत, कोई भी सरकार इस जगह को नहीं बचा सकती, उतना स्ट्रॉन्गली उस एक्ट को बनाया गया है। लेकिन हमें सरकार को यह कहना है कि आप वक्फ बोर्ड के कानून को हटाओ, हम आपका साथ नहीं है। मेरे मित्रों, आपको पता है कि कोई भी सरकार क्यों डरती है इतने बड़े डिसीजन लेने के लिए? आपको पता है सरकार क्यों डरती है? क्योंकि सरकार को यह डर लगता है कि जब चुनाव जब आएंगे तो मेरा हिंदू हमारा साथ देगा या नहीं देगा, हमारा हिंदू जातिवाद में बट के जिस प्रकार से चुनाव में नुकसान हो गया, क्या उस प्रकार से क्या नुकसान होगा क्या? हमारा हिंदू 2, 4, 5, 10 हजार में अगर अपना वोट बेच देगा तो क्या उससे हमारा नुकसान होगा क्या? मेरे मित्रों, ये सब डर सरकार को रहता है। अगर ये डर सरकार को निकालना है तो महाराष्ट्र का एक एक हिंदू, मैं हिंदू जागरण मंच के अधिकारियों को निवेदन करना चाहूंगा कि एक एक हिंदू को इकट्ठा करने का काम आप लोग कीजिए। मैं साधु संतों के चरणों को प्रणाम करके निवेदन करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के जितने भी जो हिंदू है, जात पात को छोड़ो, हिंदू का झंडा, भगवे का झंडा पकड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि हिंदू इकट्ठा होगा तो ही हम महाराष्ट्र के हिंदुओं को बचा सकेंगे। ये हमें संदेश आज देने की आवश्यकता है। आज यहाँ पर धर्म सभा लगाने का उद्देश्य भड़काने का नहीं है मेरे मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि आज के कुंभकर्ण की नींद जो हिंदू सो रहा है ना, उस हिंदू को जगाना, यही हमारा संकल्प है मेरे मित्रों। हमारा हिंदू बहुत ही जल्द सो जाता है, उसको उठाने के लिए इस प्रकार की सभाएं लगानी जाती है। अरे उठ भाई, हिंदू खतरे में है, उठ। सभा, रैली, धर्म, बड़े बड़े पॉम्पलेट हिंदुओं बांट के हिंदुओं को इकट्ठा करते हैं, हिंदुओं को जगाते हैं। जैसा ही हिंदू घर जाता है, फिर हिंदू सो जाता है। अरे अगर आज तुम बटोगे मेरे हिंदुओं, अगर आज जातिवाद में हिंदू बटेगा तो आने वाले समय में हिंदू कटेगा, ये बात ध्यान रखना मेरे मित्रों, आने वाले समय में हिंदू कटेगा, ये इतिहास है। अरे आपके ही महाराष्ट्र क्षेत्र में, बिल्कुल आपके इसी सभा में, सभा के बाजू ही आईएसआई का अड्डा था, महाराष्ट्र की धरती पर आईएसआई का अड्डा, पड़गा में, उस पड़गा गांव में कोई भी मीडिया वाला नहीं जा सकता, कोई भी पुलिस वाला नहीं जा सकता। अरे सीरिया का अड्डा बन चुका था ये पड़गा, लेकिन गांव के अंदर घुस के आदमियों को तालों को ठोक ठोक के उठा कर ले, आतंकियों को पकड़ा। उन आतंकियों का यह प्लान था, उन आतंकियों का यह प्लान था कि 400 जगहों पर ड्रोन से ब्लास्ट करना है, ड्रोन से प्लान करना है, यह उनका प्लान था मेरे मित्रों। आज एक गांव नहीं जो सीरिया बन गया, पुलिस को पता नहीं कि हमें पता नहीं, तो ऐसे कितने ऐसे गांव होंगे जो आतंकी अड्डे बन गए होंगे मेरे मित्रों, ऐसे कितने गांव होंगे। मैं हमारे शिविर से निवेदन करता हूं कि
में सलाम फिर आता है, फिर आतंकवादी पैदा हो जाता है, क्यों हो जाता है, अरे वो भी आतंकी उसका बेटा भी आता है। तो ऐसे और कितने हरामी हैं जो महाराष्ट्र की धरती में छुपकर आतंकी की सोच रखकर हमारे भारत को सर्वनाश करने की सोच रख रहे हैं। अरे कुछ लोग कहते हैं कि आतंकी तो अनपढ़ होता है, आतंकी अनपढ़ होता है, अरे आतंकी तो बेचारा को समझ में नहीं आता, उसको कुछ पैसे दे दो गन पकड़ के निकल जाता है। तो उनको कहना चाहूंगा कि हमने कुछ आतंकियों पर रिसर्च किया, जैसे ओसामा बिन लादेन, याकूब मेमन, अफजल गुरु और हाफिज सैयद अबू बकर बगदादी, ये सब पढ़े लिखे आतंकी थे। अरे याकूब मेमन जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट था मेरे मित्र, और ओसामा बिन लादेन इंजीनियर की डिग्री थी उसके पास, इंजीनियर की डिग्री, साथ ही साथ हाफिज सैयद जो पाकिस्तान में बैठ के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है, सारे के पास दो दो डिग्रिया थी, दो दो डिग्रिया मेरे मित्र। और कुछ ही दिन पहले हमारे पूना में भी एक डॉक्टर पकड़ा जाता है, पूना में एक डॉक्टर पकड़ा जाता है और उस मुल्ले का नाम है अदनान अली। पुणे में डॉक्टर है, 16 साल से वर्क कर रहा है और आतंकियों के लिए फंडिंग जमा कर रहा है। उसको पकड़ा, सब परेशान है, डॉक्टर आतंकी कैसे हो गया, कैसे हो गया एक आतंकी डॉक्टर। जब उसको पकड़ के इंटरोगेशन किया गया तो बच्चों का ब्रेन वॉश करना ही उसका काम था और फंडिंग इकट्ठा करके आतंकियों को भेजना ही उसका काम था। अरे पहले ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी गुफाओं में बैठकर अमेरिका या यहां वहां बम ब्लास्ट करते थे, लेकिन आज शायद आपके भी बीच में कोई आतंकी होगा, आपके घर के आजू बाजू भी कोई आतंकी होगा। अरे डॉक्टर आतंकी होगा, इंजीनियर आतंकी होगा, प्रोफेसर आतंकी होगा। मेरे मित्रों, हमें सावधानी बरतना है, नहीं तो ये गजवाए हिंद का जो ये लोग सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, इस गजवाए हिंद में ये लोग सक्सेस हो जाएंगे। मेरे मित्रों, गजवाए हिंद बताए आपको क्या है, गजवाए हिंद जितने भी आतंकी संगठन है इनका सपना है कि भारत पर हम गजवाए हिंद करेंगे, यानी भारत से हम युद्ध करेंगे। ये लोग वही रास्ते पर चल रहे मेरे मित्रों, भारत से युद्ध करने के रास्ते पर चल रहे, इसलिए भारत में हर राज्य में आतंकी पकड़ा जा रहा है। तो हमें सावधानी से काम करने की आज आवश्यकता है मेरे मित्रों। और साथ ही साथ यहां पर जितने भी मेरे मामले हैं उन सबको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभा में आकर चले जाना, यह नहीं, हमें एक संकल्प लेने की आज आवश्यकता है मेरे मित्रों कि मैं जब तक जीऊंगा हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए मैं जीऊंगा, मैं जब तक जीऊंगा नव जिहाद धर्मांतरण के खिलाफ युद्ध करता रहूंगा। 17 तारीख के दिन क्या है मेरे मित्रों, क्या है 17 तारीख के दिन, अरे हम सबकी मां गौ माता को काटने का दिन है, हम सबकी मां, अरे जब मां अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती तो डॉक्टर बोलेगा कि गैया मैया का दूध पिला दे, वो एक शेर बनेगा। अरे जब इस धरती पर गाय नहीं रहेगी तो क्या डब्बे का दूध पिलाओगे, अरे अगर डब्बे का दूध पिलाओगे तो पप्पू जैसे बच्चे पैदा होंगे, अरे अगर गैया नहीं रहेगी तो दूध किसका पिलाओगे मेरे मित्रों। अरे आज महाराष्ट्र में गौ हत्या के प्रति पाबंदी है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र
महाराष्ट्र से कईयों गैया मैया को कर्नाटक में एक्सपोर्ट किया जाता है, तेलंगाना आंध्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, जंगलों में गाय को काट कर उसके मांस को एक्सपोर्ट किया जाता है। मैं हमारे कुछ पुलिस भाई बंधुओं को और कुछ नेताओं को कहना चाहूंगा कि गौ हत्या बहुत बड़ा पाप है, गौ हत्या करने वाले को समर्थन भी देना एक बहुत बड़ा पाप है। अरे अगर उस पाप के भागीदारी तुम आज बनोगे चंद पैसों के लिए, तो आने वाली तुम्हारी साथ उससे उस पाप की भागीदारी बनोगी, ये बात ध्यान रखना। अरे कभी जिंदगी में गौ हत्या का पाप नहीं लेना, लेकिन आज खुले में गौ माताओं को काटा जा रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने 70 गैया मैया के जान बचाए। मैं आ रहा था, एक ट्रक को देखा, मैंने ट्रक को रोका तो नीचे भी गाय और ऊपर भी गाय। यानी एक समय पहले हम डबल टेक बस देखते थे, नीचे भी आदमी बैठते थे और ऊपर भी आदमी, उस प्रकार से गौ माताओं को काटने के लिए ले जा रहे। रात के 3 बजे जब हम गाड़ी पकड़े तो गैया मैया को गौशाला में खाली करे अब तक उतारे, अब तक 5 बजे। मैंने मेरे जिंदगी की एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य किया मेरे मित्रों, एक गाय के जान बचाओ तुम्हारा धन्य, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और इस बकरीद में एक भी गौ माता का कत्ल ना हो, यह संकल्प आज हम सबको लेने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। जिंदगी में एक गाय के प्राण बचाओ, आपका जीवन धन्य हो गया सर, सिर्फ एक गाय के जान मेरे मित्रों। अरे कुछ दिन पहले गौ माता की रक्षा के लिए हमारा एक हिंदू शेर शहीद हो गया झारखंड में। ट्रक को रोकने के चक्कर में उस कसाई ने उस हिंदू कार्यकर्ता के ऊपर पट चढ़वा दिया मेरे मित्रों, लेकिन हम उसकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो अपने जीवन में धन्य हो गया, लेकिन यहाँ पर जितने भी मेरे महाराष्ट्र के हिंदू वीर है, अरे जियो तो शिवाजी जैसा, मरो तो संभाजी जैसा, मरो तो संभाजी जैसा। हमें वो बात नहीं भूलनी है मेरे मित्रों कि कुछ लोग कहते हैं आज यानी कल कुछ बोलने वाले और आज कल बोलने वाले नेता कहते हैं कि औरंगजेब अच्छा था। क्या मेरे संभाजी को मारने वाला औरंगजेब अच्छा था? क्या मेरे संभाजी के हाथ पैर काटने वाला क्या औरंगजेब अच्छा था? मेरे मित्रों मैं तेलंगाना में रहता हूं, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा औरंगजेब की राजे दौलादों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे चाहे ये पद रहे या ना रहे, या मैं रहूं या ना रहूं, जब तक इस शरीर में सांस है हिंदुत्व का प्रचार करते रहूंगा। और संभाजी महाराज के कातिलों को मैं जीने नहीं दूंगा मेरे मित्रों। आज हमारे तेलंगाना राज्य में 2 मेरे साले रहते हैं, एक बड़ा साला सदर ओवैसी और मेरा छोटा साला है अकबरुद्दीन ओवैसी। अरे आज बात करके बताया अगर तुम्हारे में दम है। अरे आज तेलंगाना का हिंदू एक हुआ, ये दोनों साले तू बन करके बैठे हैं तेलंगाना में। अरे जब गांधी की शोभा यात्रा निकलती है तो क्या होता है तेलंगाना में, क्या होता है? क्या हमें किसी का सहयोग है? क्या हमें किसी का सपोर्ट है? हर दिन एक आतंकी पकड़ा जाता है। राजा सिंह को मारने के लिए पाकिस्तान से 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं। राजा सिंह को मारने के लिए उसके घर को ब्लास्ट करने की सोच रखते हैं। बेटा बकरे जैसी दाढ़ी रखने वाले बेटा, अगर इस राजा सिंह के ऊपर जिस दिन भी छोटी सी खरोच भी गिर आएगी, तो ये मेरे बड़े शिवाजी के
करनी है तो कोई भी हमारी शोभा यात्रा के सामने आने की हिम्मत नहीं रखता मेरे मित्रों। ये होता है हिंदुओं का संगठन। अरे जब जब हिंदू एक हुआ, इतिहास लिखा है हिंदुओं ने, और वो इतिहास आपके महाराष्ट्र में लिखेंगे मेरे मित्रों, अगर आप सब लोग साथ दिए तो। फिर